नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, वो कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या रहेंगे कि इसके अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे शो करता है। सबसे पहले हम इसके बारे में क्या जानते हैं, हिस्ट्री कैसे हुई, कि मैग्नेट है उसकी डिस्कवरी हुई कैसे, उसके बारे में हमें पता कैसे चला, ये देखते हैं। तो मैग्नेट के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थॉल्सोप मिल्टस। कौन से थे भी? थॉल्सोप मिल्टस। इन्होंने सबसे पहले आयरन ओर थी ना, आयरन ओर को किसके तरफ, आयरन के छोटे छोटे बीट थे उनको अट्रैक्ट कर रहा था, उनके बारे में बताया। तो इसी के बेस के ऊपर इनका नाम सबसे पहले पड़ा मैग्नेटाइट। इन्होंने क्या कहा कि ये क्या चीज है, मैग्नेटाइट है, ठीक है। एक और भी इसके अकॉर्डिंग स्टोरी है हमारे पास, वो स्टोरी क्या है कि मैग्नेटाइट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये ग्रीस के मैग्नीशियन नामक सिटी के अंदर पाई जाती थी। कौन सी? ग्रीस की मैग्नीशियन नामक सिटी के अंदर पाई गई थी। तो उसी के बेस के ऊपर इसका नाम रख दिया गया, हमने क्या रखा, मैग्नेट। इसका नाम क्या रखा, मैग्नेट। और बहुत सारे हैं, देखो भाई मैग्नेट बेसिकली होती क्या है, क्या होती है मैग्नेट, क्या होता है, फिनोमिना होता है अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल वेट्स ऑफ आयरन कोबाल्ट एंड निकल एंड इट्स एलॉय। कि जो आयरन होगा, कोबाल्ट होगा और निकल्स होगा, इनके भाई जो भी एलॉयज होंगे उनको अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगा। कौन? आयरन ऑक्साइड। मैग्नेट का पूरा फॉर्मूला क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, मतलब Fe3O4। ये क्या होता है, पूरा आयरन का फॉर्मूला होता है, इट्स कॉल्ड मैग्नेटिज्म। इसको पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इस फिनोमेन को हम क्या कहेंगे कि ये मैग्नेटिज्म है, ठीक है। द आयरन ओर शोन दिस इफेक्ट वाज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। कि जो ये ऊपर वाला इफेक्ट है, फिनोमेना है, मैग्नेटिज्म जिसको शो करेगा, वो आयरन ओर हमारी क्या कहलाएगी, हमारी एक नेचुरल मैग्नेट कहलाएगी। देखो नेचुरल मैग्नेट के और बहुत सारे नाम है, नेचुरल मैग्नेट का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लैक स्टोन भी कहा जाता है इसको, एक ब्लैक स्टोन है, एक और क्या कहा जाता है इसको, लीडिंग स्टोन। अलग नाम क्या है इसका, लीडिंग स्टोन है। एक और नाम है इसका बेटा, किसिंग स्टोन। एक और क्या है, किसिंग स्टोन भी इसका नाम है। देखो जो किसिंग स्टोन है इसको हमारे इंडिया के अंदर क्या कहा जाता है, चुंबक। इसको हम क्या कहते हैं, चुंबक। चुंबक का ही नाम क्या है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको, किसिंग स्टोन कहा जाता है। तो मैग्नेट थी जो आपकी, मैग्नेटाइट थी चाइनीज, सबसे पहले चाइना के अंदर इसका कहां पे यूज होता था, शिप वगैरह के अंदर हम डायरेक्शन चेक करने के लिए, नेविगेशन के लिए हम क्या यूज करते थे, मैग्नेट यूज करते थे। तो इसी के व्याप हम कह सकते हैं कि हमारी मैग्नेट है वो दो टाइप की है, एक है हमारी कौन सी बेटा, नेचुरल, एक कौन सी हमारी, नेचुरल मैग्नेट। दूसरी कौन सी है बेटा आपके पास, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट है ना बेटा, वो बहुत कम यूज में आ जाती है। बिकॉज क्यों, ये कम यूज में क्यों आती है, कि पहले तो इसके पास क्या होती है कि बेटा जो मैग्नेटाइज होती है, जो मैग्नेटिज्म होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत वीक मैग्नेटिज्म होता है इसके पास। क्या होता है, वीक मैग्नेटिज्म, वीक मैग्नेटिज्म होता है। दूसरी क्या होती है बेटा, इसकी शेप होती है वो इरेगुलर होती है, इरेगुलर, इरेगुलर शेप होती है, इसीलिए कम यूज में किया जाता है। क्या पहले इसके पास क्या होती है कमी, किसके होती है, इसकी वीक मैग्नेटिज्म होता है। दूसरी बेटा इसके पास क्या होती है, इरेगुलर शेप होती है। दूसरी आती है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट कौन सी होती है, जो मैनमेड ने बनाई है। इनका दूसरा नाम क्या होता है, मैनमेड। जो मैनमेड द्वारा मैग्नेट बनाई गई उसका नाम क्या रखा गया, आर्टिफिशियल रखा गया। जो नेचुरली मिली हमें, अर्थ ने जो हमें दी है, जो हमें नेचर से मिली है, उसको हमने क्या कहा, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट की शेप ऐसी होगी कुछ, मतलब इरेगुलर होगी, इनको यूज करना मुश्किल होता है कंपेरिजन टू, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगी। इसके ना मैग्नेटिज्म हम जितनी जरूरत होगी उतनी बना सकते हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा चाहिए। दूसरी बेटा इनकी शेप होती है रेगुलर होती है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आपने देखा होगा बार मैग्नेट, कौन सी, बार मैग्नेट।
बार मैग्नेट, दूसरी होती है आपकी हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट। तो हॉर्सशू मैग्नेट कैसी होती है स्ट्रक्चर? इसकी ऐसी हॉर्स की घोड़े के नाल जैसी स्ट्रक्चर होती है। बार मैग्नेट हमारे पास एक लंबी छड़ के टाइप की क्या होती है? मैग्नेट होती है। ये आप क्या कह सकते हो? हमारे पास बार मैग्नेट है, ये वाले आप क्या कह सकते हो? हॉर्सशू मैग्नेट है। और बहुत सारे मैग्नेटिक कंपास है, कंपास नीडल होगी, वो भी किसकी तरह यूज में की जाएगी? आर्टिफिशियल मैग्नेट की तरह यूज की जाएगी। अब मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट मैंने क्या ली? एक बार मैग्नेट ली, एक वाला पोल क्या होगा? नॉर्थ, दूसरे वाला क्या होगा? साउथ। अब इस मैग्नेट को मैंने फ्री सस्पेंडेड किया, यहाँ पे कहीं पे लटकाया। लटकाने के बाद इसके जो अर्थ के रिगार्डिंग हमने क्या देखे? पोल्स देखे। तो अर्थ के देखो भाई, अर्थ ये वाली है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास है अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपने क्या किया? एक बार मैग्नेट को सस्पेंड किया कुछ एक इस टाइप में। तो अर्थ क्या करती है बेटा? अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है। ये वाली एक्सिस क्या कहलाती है उसकी? ये वाली एक्सिस कौन सी कहलाती है हमारी? पोल्स, पोल्स कहलाती है। तो ये वाला देखो, हमने ये वाला माना जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये वाला कौन सा होगा? इस अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, जियोग्राफिकल है नॉर्थ पोल। ये वाला कौन सा होगा? जियोग्राफिकल है साउथ पोल होगा। मतलब जब भी हमने इसको अर्थ के ऊपर लटकाया कुछ एक ऐसा, तो इसका ये वाला साउथ पोल साउथ की तरफ चला गया, ये वाला पोल किसकी तरफ चला गया? नॉर्थ की तरफ। जैसे ही नॉर्थ की तरफ गया तो हमने इस वाले को क्या कहा कि ये हमारा कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा। ये वाला हमारा कौन सा होगा भाई? साउथ पोल हो गया। बात समझ आई? तो इसी से नाम पड़ा कि एक कौन सा होगा नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा होगा साउथ पोल। अर्थ के ऊपर जैसे ही हमने इसको फ्री सस्पेंडेड किया, लटकाया, लटकाने के बाद ये मैग्नेट अपने आप जिसकी तरफ चला गया, ये वाला पोल नॉर्थ की तरफ चला गया था, और इसका ये वाला पोल किसकी तरफ चला गया था? पोल हमारा साउथ की तरफ चला गया था। जो साउथ की तरफ गया उसको हमने क्या कहा? साउथ। और जो नॉर्थ की तरफ गया उसको हमने क्या कहा? नॉर्थ पोल कहा। अब इसके पास आते हैं कि ये मैग्नेट तो आपने बता दी सर, अब इन पोल की कुछ खास बात होती है, वो देखो प्रॉपर्टीज होती है। पोल्स होते हैं ना, जब सेम टाइप के पोल होंगे, कौन से? सेम टाइप पोल, सेम टाइप पोल हमेशा क्या करेंगे भाई? रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। दूसरी बेटा बात इसके अंदर क्या होती है? अपोजिट टाइप पोल, अपोजिट टाइप पोल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। देखो अभी हमने मैग्नेट का नाम क्या दिया था? नेचुरल मैग्नेट का नाम किसिंग स्टोन दिया था कि नहीं दिया था? क्या दिया था? किसिंग स्टोन। तो भाई किसिंग स्टोन की बात करते हैं, जब सेम टाइप के होंगे, जब हमारे सेम टाइप के होंगे तो पता है क्या कि किसिंग स्टोन उसके ऊपर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसी के आप में आप कह सकते हो, जब नॉर्थ नॉर्थ के आके मिलेगा तो भाई कहेगा दूर भाग जा, कोई काम नहीं है तुम्हारा। अब साउथ साउथ के पास जाएगा तो भी क्या होगा भाई? दूर भाग जा, कोई काम है नहीं है तुम्हारा। सॉरी, इसी प्रकार जब क्या होगा? साउथ साउथ के पास जाएगा तब भी ये कहेगा दूर चला जा, कोई काम नहीं है। मतलब इनका क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। जब ये दोनों आ जाएंगे, एक नॉर्थ और एक वाला साउथ, जैसे ही आएंगे दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो मतलब आपका किसिंग स्टोन है वो क्या हो गया? यहाँ पे परफेक्ट लग गया। तो आप क्या कहोगे कि सेम टाइप के पोल हमेशा क्या करेंगे भाई? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट टाइप के पोल हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब देखते हैं बेटा इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। हमारा एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? देखो द रीजन या फिर इसके पास द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड
मैग्नेटिक फील्ड. क्या होगा अभी? दिस फेस अराउंड दी मैग्नेट विद इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. कि भाई हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट जहां तक अपना इफेक्ट दिखाएगी वो उसकी क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी. जैसे भाई जंगल का राजा शेर, शेर का रीजन कितना होता है? जंगल होता है ना, तो वो उतना क्या होता है उसका इफेक्ट होता है. मतलब दो शेर एक जंगल के अंदर, तो आधा आधा क्या कर लेंगे अपना डिवाइड कर लेंगे. जहां तक वो वाला शेर, एक पहले वाला शेर अपना रीजन देखेगा वो दूसरे वाले के एरिया में नहीं जा पाएगा. मतलब उसका रीजन क्या है ना, उसकी फील्ड है. सेम स्टोरी मैग्नेट की. मैग्नेट जहां तक अपना इफेक्ट एक्सपीरियंस कर देगी तो वहां तक हम क्या कहेंगे उस मैग्नेट की वो क्या है भाई? फील्ड है.